मेरे लिए यूज्ड टू कंट्रोल एंड रेयर टेम्परेचर इज कॉल्ड बायोमेलिक थर्मोस्टेट। लेकिन बेटा ऐसी बायोमेलिक जिसको इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर को मेयर कर सके या टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, तो ऐसी बायोमेटलिक स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं, बायोमेटलिक थर्मोस्टेट। बायोमेटलिक स्ट्रिप को आप इस्तेमाल करके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक कॉमन डिवाइस आप सबने देखा है। ये जो आयरन होती है, इस्त्री जिसको हम कहते हैं आयरन, ये आयरन जो होती है इसके अंदर बायोमेटलिक स्ट्रिप को प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हैं कि बायोमेटलिक स्ट्रिप की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बायोमेटलिक थर्मोस्टेट है, ठीक है। और इस्त्री के अंदर आपने देखा है कि जब ये आयरन गर्म होती है तो खुद ब खुद उसमें करंट बंद हो जाता है, और जब ये आयरन ठंडी होती है तो खुद ब खुद उसके अंदर करंट जो होता है वो वापस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये करंट को वहां पे कंट्रोल करती है और करंट को कंट्रोल करके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जब इस्त्री गर्म हो जाती है तो करंट को ये थर्मोस्टेट बंद कर देती है, और फिर जब इस्त्री ठंडी हो जाती है तो करंट को ये वापस ऑन कर देती है और इस्त्री वापस जो है वो काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो काम करंट को बंद करने का या करंट को खोलने का जो काम कर रही है यहाँ पे, ये कौन कर रहा है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप कर रही है। और जब ये करंट को बंद करती या खोलती है तो इसका मकसद होता है कि इसके इस्त्री के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, एक लेवल से इसको न बढ़ने दिया जाए और एक लेवल से न इसको कम होने दिया जाए, ठीक है। अब ये कैसे काम करती है इसको हम देखते हैं बेटा। बेटा कंट्रोलिंग टेम्परेचर कैसे करती है, देखिए बेटा आप सबने बेटा ये इस तरह से आयरन का बॉटम देखा है, ये आयरन का बॉटम इस तरह से होता है बेटा, ये आयरन बेटा इस तरह से होती है, और ये इसका आप कह सकते हैं कि ये बॉटम होता है जो हमें इस तरह से नजर आता है। अब इस बॉटम के अंदर क्या होता है बेटा, इस बॉटम के अंदर इस तरह से एक एलिमेंट लगा होता है, जिस तरह से आपने देखा है हीटर के अंदर बेटा एक स्प्रिंग लगा होता है, और उस स्प्रिंग को जब हम करंट देते हैं तो वो स्प्रिंग जो होता है वो गर्म होता है और उसमें से हीट पैदा होती है। इसी तरह की ही एक चीज इस्त्री के बॉटम में लगी है, जब आप उसको करंट देते हो तो उसमें से हीट पैदा होती है। अब देखिए इसके अंदर ये बेटा एलिमेंट है और ये दो इसकी वायरें हैं। अब एक हिस्से के अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप हम कनेक्ट करते हैं बेटा इसके एक हिस्से में। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक स्ट्रिप कनेक्टेड होती है और ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। ये इसके एक हिस्से में बायोमेट्रिक स्ट्रिप आप कनेक्ट कर लें कि जैसे इसके एक हिस्से में बायोमेलिक स्ट्रिप है,
इसके एक हिस्से में इस तरह से बायोमेट्रिक हिस्से होती है बेटा, ठीक है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा होता है बेटा, यहाँ पे आपने देखा है बेटा, ये इसके ऊपर एक बटन लगा होता है जिसको घुमा के हम टेम्परेचर सेट करते हैं। इसका एक एंड जो होता है बेटा वो इस तरह से इसके साथ कनेक्ट होता है, ये पिन लगी होती है बायोमेट्रिक स्ट्रिप का। और यहाँ पे बेटा टेम्परेचर का स्केल लिखा होता है कि यहाँ पे कितना कितना टेम्परेचर आपने सेट करना होता है। आप इस बटन के थ्रू उस टेम्परेचर को सेट करते हो। अब इस बटन का दूसरा हिस्सा किसके साथ कनेक्ट होता है? बायोमेट्रिक स्ट्रिप के साथ। बायोमेट्रिक स्ट्रिप का दूसरा हिस्सा जिसके साथ कनेक्ट होता है इस एलिमेंट के साथ, ये एलिमेंट का दूसरा हिस्सा है। अब क्या होता है, ये वायरें इस तरह से कनेक्ट होती है बेटा। एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होती है इस तरह से, और एक वायर ये होती है बेटा। ये दोनों वायरें बाहर आती है जिसके थ्रू हम इसको इस तरह को करंट देते हैं बेटा इसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे बिजली का बेटा ये प्लग लगा होता है और इसको हम हाफ पॉइंट के अंदर इस तरह से रखते हैं, ये बिजली का प्लग होता है, ठीक है। तो ये इसकी होती है बेटा, आप कह सकते हैं कि इसका सेटअप होता है। ये इस्त्री है बेटा, इस्त्री का बॉटम है, बॉटम के अंदर ये एलिमेंट लगा हुआ है, एलिमेंट की एक वायर के साथ ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी हुई है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप का एक एंड उस बटन के साथ कनेक्ट होता है जो बटन टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बटन जो होता है ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? ये टेम्परेचर को एडजस्ट करने, यहाँ से एक वायर लगी होती है, ये एक्सटर्नल सर्किट में जाती है और ये वायर के काम पे जाती है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जाती है। अब सपोज करें हम इसको देते हैं करंट, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इसको नेगेटिव से, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा बेटा। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरह से आएगा, ये करंट आएगा बायोमेट्रिक स्ट्रिप में, और बायोमेट्रिक स्ट्रिप से ये करंट किस तरफ जाएगा बेटा? ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप से करंट जाएगा इस एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट से ये करंट होता हुआ किस तरफ जाएगा? इस एलिमेंट से करंट जाएगा इस वायर के अंदर, और यहां से ये करंट जो होता है ये बाहर आ जाता है, ये सर्किट के अंदर करंट आता है। और जैसे ही करंट इस एलिमेंट के अंदर आता है तो ये इसका बॉटम जो होता है गर्म होता है और यहाँ से हीट बाहर आती है, और यही हीट हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर इसके नीचे इस तरह से हीट आती है तो हीट ऊपर की तरफ भी जाएगी बेटा, जाहिर है जैसे हीटर होता है ना बेटा, हीटर के तो चारों तरफ हीट जाती है, ठीक है। इस तरीके बॉटम से बाहर भी हीट आती है तो इस तरीके अंदर वो ऊपर भी आएगी, और जैसे ही इससे हीट ऊपर आएगी तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है बेटा? गर्म होती है। और बायोमेट्रिक स्ट्रिप के गर्म होने से इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप के अंदर बेंडिंग आ जाती है, और ये बेंडिंग आने की वजह से इसका कनेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो इस पिन के साथ टच कर रही थी, जब इस्त्री गर्म हो जाएगी तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होने, क्योंकि इस्त्री गर्म होगी तो इस्त्री इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप को क्या कर देगी? गर्म कर देगी, और गर्म होने से बायोमेट्रिक स्ट्रिप के अंदर क्या आ जाएगी? बेंडिंग आ जाएगी। और बेंडिंग आने के नतीजे में क्या होता है कि ये स्ट्रिप जब बेंड खा जाती है तो इस पिन को टच करना छोड़ देती है। जब ये इस पिन को टच करना छोड़ देगी तो ये जो करंट आ रहा है वो करंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और इस्त्री जो है वो उसमें हीट पैदा होना बंद हो जाएगी। और जब हीट पैदा होना बंद हो जाएगी और ये इस्त्री ठंडी होना शुरू हो जाएगी तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप भी क्या करेगी? ठंडी होना शुरू हो जाएगी। और जब ये ठंडी होगी तो फिर क्या हो जाएगी? ये स्ट्रेट हो जाएगी, और स्ट्रेट हो जाएगी तो फिर पिन को टच करेगी और फिर करंट आना शुरू हो जाएगा, और फिर करंट आएगा तो फिर इस्त्री गर्म होगी, फिर जब इस्त्री गर्म हो जाएगी तो फिर इसके अंदर क्या आ जाएगी? बेंडिंग आ जाएगी। इस तरह से ये इस्त्री का टेम्परेचर एक तय शुद्ध टेम्परेचर से आगे
जाने नहीं देती। जब स्त्री का टेम्परेचर हमारा फिक्स किया हुआ टेम्परेचर हो जाता है तो ये स्ट्रिप बैंड खा जाती है और स्त्री के अंदर करंट जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप इस तरह से एज अ सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होती है। इसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मकसद है ऐसी चीज जो किसी भी सर्किट के अंदर एक मखसूस हालात के अंदर करंट जाने दे और जब वो चीज अचीव हो जाए तो करंट को बंद कर दे। जैसे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं घरों के अंदर, अगर लाइट किसी फॉल्ट की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो सर्किट ब्रेकर क्या करते हैं, करंट को रोक लेते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि ये बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है ये जब गर्म होती है तो बेंडिंग आती है और बेंडिंग की वजह से इसका कनेक्शन खत्म होता है, कनेक्शन खत्म होता है तो करंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब ये स्त्री वापस ठंडी होती है तो ये सीधी हो जाती है, जब ये सीधी हो जाती है तो इसमें करंट वापस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है ये थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से स्त्री का टेम्परेचर जो आपने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, जब वो टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप बैंड खा जाएगी और बैंड खाने से ये होता है कि सर्किट के अंदर ब्रेकिंग होगी और करंट जो होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि ये बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब आप इसको आगे भी देख सकते हैं बेटा कि बायोमैग्नेटिक थर्मामीटर भी होता है। बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप पर बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप पर कैन बी यूज्ड इन बायोमेट्रिक थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। बेटा ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल भी की जाती है। अब इसे थर्मामीटर बनाया जाता है बेटा, जैसे ये गीजर वगैरह जो होते हैं या मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर भी पहले होता था, लेकिन अब तो गाड़ियों के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था और जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता था और एक हद से ज्यादा गर्म हो जाता था तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप बैंड खा जाती थी और बैंड खाने की वजह से ये इंजन को जो है वो स्टॉप कर देती थी। तो ये हर उस जगह पे इस्तेमाल होती है जहां पे हीट पैदा होती है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती जहां पे हीट पैदा ना हो, क्योंकि ये हीट के गर्म होने की वजह से इसके अंदर जो बेंडिंग आती है वो गर्म होने से होती है। तो जाहिर है ये इस्तेमाल ऐसी जगह पे होगी जहां पे हीट पैदा होगी। अगर हीट पैदा नहीं होगी तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो फजूल बन जाता है। तो इसी तरह से ये भी जो है वो थर्मामीटर भी बनता है और ये थर्मामीटर भी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है जहां पे हीट पैदा होती है। जैसे गीजर होता है, गीजर के ऊपर लगा होता है और वो हमें एक अंदाजा बताता है कि इस गीजर के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना होता है। अब ये काम कैसे करता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है बेटा कि इसके अंदर आप पहले कि एक बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट तो इस्तेमाल होती है, लेकिन वो इस तरह से एक स्पाइरल शेप के अंदर होती है। इसको आप कह सकते हैं कि ये स्पाइरल शेप होता है। इसके दो मटेरियल्स होते हैं, आप कह लें कि ये इस तरह से स्पाइरल शेप के अंदर होती है, इस तरह से। एक मेटल इस तरह से होता है, इसके साथ दूसरा मेटल भी लगाया जाता है इस तरह से।
ठीक है, एक मेटल ये हो गया और एक मेटल इस तरह से होता है बेटा। दो मेटल को मिला के ये स्टेप बनाई जाती है। ये इस तरह से बेटा दो मेटल्स की बनी हुई होती है। अब इसका जो होता है बेटा, आप कह सकते हैं कि ये एंड जो होता है, एक एंड इसको फिक्स कर दिया जाता है बेटा। ये एंड आप कह लें कि इस एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, ये फिक्स एंड होता है। और यहाँ पे इसके अंदर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से स्केल लगा होता है। आप इसको कह सकते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से स्केल लिखा होता है। और यहाँ पे आप कह लें कि इसके अंदर एक पॉइंटर लगा हुआ है, जो पॉइंटर इसके इस फ्री एंड से, बेटा ये फ्री एंड होता है, इस बायमेट्रिक स्टेप का ये फ्री एंड होता है और ये कौन सा होता है, फिक्स एंड होता है। और ये जो फ्री एंड होता है बेटा, इसके अंदर एक्सपेंशन आती है, जबकि ये फिक्स एंड है, इसके अंदर कोई भी, आप इसको कह सकते हैं कि ये फिक्स एंड है बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा इसका जो अल्फा होना चाहिए, इसका अल्फा मस्ट बी ग्रेटर बेटा, इसका अल्फा जो होना चाहिए बाहर वाले का अल्फा ग्रेटर होना चाहिए। इसके अंदर फिक्स चीज होती है कि ये जो दो मेटल्स होते हैं, एक ब्लू है और दूसरा यहाँ पे है, तो ये जो है वो इसका बाहर वाले का अल्फा जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए और अंदर वाले का अल्फा क्या होना चाहिए, कम। अब जब इसको गर्म करेंगे बेटा, जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर आएगी बेटा एक्सपेंशन, और जब इसके अंदर एक्सपेंशन आएगी तो ये इस तरह से एक्सपेंड करेगा बेटा। और इस तरह से एक्सपेंड जब करेगा, जब ये इस तरह से एक्सपेंड करेगा तो ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को भी ये अपने साथ घुमाएगा, क्योंकि ये पॉइंटर किसके साथ अटैच है बेटा, इस फ्री एंड के साथ अटैच है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही इस ये गर्म होगा और गर्म होने से जैसे ही ये घूमेगा तो ये पॉइंटर इसके साथ घूम जाएगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, ज्यादा, और ये पॉइंटर ज्यादा घूमेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसमें एक्सपेंशन कम आ जाएगी और ये पॉइंटर क्या होगा, कम घूमेगा। तो इस तरह से इस एक्सपेंशन से हमें पता लगता है कि इस चीज का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो बायोमेटलिक स्टेप को आप स्पाइरल शेप के अंदर लेके आप उसको टेम्परेचर को मेयर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो यूजेस हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, एक बायोमेटलिक थर्मोस्टेट है जो आयरन के अंदर इस्तेमाल होती है, और ये बायोमेटलिक थर्मोस्टेट जो होती है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी जो होती है वो बायोमेटलिक जो स्टेप होती है उसको इस तरह से टेम्परेचर को मेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन है। आप इसको कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन किसकी होती है, थर्मल एक्सपेंशन की। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन को मुख्तलिफ कामों में आप इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर के अंदर भी आप थर्मल एक्सपेंशन को यूज करते हैं, जिसके अंदर आप थर्मल एक्सपेंशन जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है उसको इस्तेमाल करके आप टेम्परेचर को मेयर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे, हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर बेटा हमारे पास है गैस लॉज बेटा।
देखिए बेटा, आपको पता है बेटा, गैस लॉज है जो हमें रिलेशन बताते हैं बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ गैस। गैस के पैरामीटर्स कौन से होते हैं बेटा? प्रेशर होता है गैस के अंदर, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है और उसका मास होता है। ये बेटा तीन चार चीजें जो है ये गैस के अंदर मौजूद होती हैं, और इन तीनों चारों चीजों को हम कहते हैं कि ये पैरामीटर्स ऑफ गैस हैं, जिनसे हमें गैस की स्टेट का पता लग सकता है कि गैस किस स्टेट में है। अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह आपको पता होंगे तो आप गैस की स्टेट्स वगैरह की आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। तो आप गैस लॉज के बारे में कहोगे कि ये हमें देते हैं, ये रिलेशन हमें बताते हैं बेटा। रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ गैस बेटा। पैरामीटर्स ऑफ गैस बेटा, इसमें ये हो सकता है पैरामीटर्स कौन से होते हैं बेटा? इसमें पैरामीटर्स होते हैं बेटा, एक होता है प्रेशर, दूसरा होता है वॉल्यूम, तीसरा होता है टेम्परेचर और चौथा होता है बेटा मास। इनके दरमियान रिलेशन हमें बताते हैं बेटा। और ये तब वैलिड होते हैं बेटा जब कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है। देखिए बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि आप गैस को आइडियल या रियल इसलिए कहते हैं, कोई आइडियल गैसेस अलग गैसेस नहीं है। आइडियल एक बिहेवियर होता है। अगर कोई भी गैस एक मखसूस बिहेवियर शो करे तो उसी गैस को आप कहेंगे आइडियल गैस। आइडियल गैस कोई अलग से गैस नहीं होती। यही जो हमारे पास गैसेस है जो रियली एग्जिस्ट करती है, जिनको हम रियल गैसेस कहते हैं, यही गैसेस जब एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो करती है तो इन्हीं गैसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं गैसेस को हम कहते हैं कि ये आइडियल गैसेस है। तो आइडियल जो होता है बेटा एक बिहेवियर होता है, और आइडियल कोई गैस अलग से गैस नहीं होती। आप जिस तरह से कंडक्टर्स के बारे में, आवाज मुद्दन जाएगा बोला पर बुद्धो बयान तो देखिए, ये गैसेस जो होती हैं जब एक मखसूस बिहेवियर शो करती हैं तो इन्हीं गैसेस को हम कहते हैं आइडियल गैस। जिस तरह से कोई कंडक्टर होता है, जब कोई भी कंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस शो करता है हम उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर कोई अलग से कंडक्टर नहीं होता, यही कंडक्टर है जो लो टेम्परेचर्स पे एक ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जिस बिहेवियर की बुनियाद पे हम उनको कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो यही हमारी गैसेस एक मखसूस बिहेवियर शो करती है। जब यही गैसेस एक मखसूस बिहेवियर शो करें जिस बिहेवियर को हम आइडियल बिहेवियर कहते हैं, कि गैस का वो आइडियल बिहेवियर होता है, तो ऐसी गैस को हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस। आइडियल गैस इन्हीं गैसेस में से कोई भी गैस आइडियल बन सकती है जब उसको मखसूस जो है वो कंडीशंस दी जाए, और उन स्पेसिफिक कंडीशंस पे जब वो स्पेसिफिक बिहेवियर शो करे तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आइडियल गैस बन गई है और ये आइडियल बिहेवियर। तो ये जो लॉज, गैस लॉज है ना, ये गैस लॉज गैसेस तब फॉलो करती है जब वो आइडियल बिहेवियर में होती है। रियल गैसेस जब आइडियल बिहेवियर में होती है तो वो किसको फॉलो करती है? इन गैस लॉज को। हर वक्त ये गैसेस इन लॉज को फॉलो नहीं करती, क्योंकि हर वक्त ये गैसेस आइडियल बिहेवियर नहीं रखती। जब ये गैसेस रियल बिहेवियर रखती है ना, जब ये गैसेस रियल बिहेवियर रखती है, जब ये गैसेस रियल गैसेस बनती है,
तो ये गैस लाश को फॉलो नहीं करती। ये गैस लाश उसी सूरत में फॉलो होते हैं जब कोई भी गैस कौन सा बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, अब ये आइडियल बिहेवियर क्या होता है बेटा? बेटा जो आइडियल बिहेवियर होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जीरो होती है। अब गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस कैसे जीरो हो सकती हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मास होता है, तो मास की वजह से वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जर्ट कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब गैसेस आइडियल बिहेवियर रखती हैं तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाते हैं तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनके दरमियान जीरो हो जाती है तो मास होने से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो इसको हम टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास का मकसद होता है ऐसा मास जो मास होते हुए भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की अहलियत न रखे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं, उनके दरमियान कोई भी फोर्स नहीं होती, इसका मकसद है वो गैस मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लाइक अ पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास की तरह बिहेव करें। जब उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पॉइंट मास का बिहेवियर होगा तो वो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर किसी भी किस्म की फोर्स एग्जर्ट करने की सलाहियत नहीं देंगे। फिर जो रियल गैस होगी वो क्या हो जाएगी, रियल गैस आइडियल गैस होगी। और ये तब हो सकता है जब गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा हो, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी होती है, उनके दरमियान अगर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत नहीं रखेंगे। और फिर ये जो रियल गैस होगी आप कह सकते हैं कि ये किस तरह से बिहेव कर रही है, लाइक आइडियल गैस बिहेवियर बिहेव कर रही है। अब इसके अंदर आखिरी आज का हम ला करते हैं जिसको कहा जाता है बॉयल्स लॉ बेटा। ठीक है बेटा, ये आज का हमारा आखिरी होगा, सिंपल सा लॉ है बेटा। ठीक है, आपको भी पता है बेटा कि बॉयल्स लॉ जो होता है ये हमें रिलेशन बता है बिटवीन प्रेशर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल सा लॉ स्टेटमेंट आपकी पढ़ी, जस्ट मैं एक ही चीज इसके अंदर डिस्कस करूंगा कि हमारी फिजिक्स के अंदर इसके अंदर इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि
क्योंकि आज तक हम इसको इस तरह से पढ़ते आए हैं कि प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है? हम इस लॉ को क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? छोटी सी चीज है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है तो आसमान तो नहीं गिरता, ठीक है? तो हमारे लिए फिजिक्स के अंदर इसकी क्या इंटरेस्ट है, इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ये हमें बेहतर देता है गिव, गिव्स अ रिलेशन, गिव्स अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा। ठीक है, अब इस लॉ के मुताबिक बेटा अगर आपके पास सिंपल ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है, गैस का बिहेवियर राइट है, अगर प्रेशर पी वन है तो बी वन है बेटा, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ और प्रेशर बढ़ा के आप इसका वॉल्यूम बी टू कर दो और प्रेशर कौन सा कर दो, पी टू कर दो, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि जितनी प्रोडक्ट पी वन वी वन की होगी उतनी ही प्रोडक्ट किसकी हो जाएगी, पी टू और वी टू की होगी। अगर प्रेशर वन है वॉल्यूम टू है, प्रोडक्ट टू है, अगर प्रेशर बढ़ के टू हो जाएगा तो वॉल्यूम कम होके वन हो जाएगा, प्रोडक्ट बाद में भी क्या होनी है, टू होनी, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, इफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो पी वन वी वन किसके बराबर हो जाएगा, पी टू वी टू के। तो आप कह सकते हैं कि पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी टू वी टू। इसी तरह से आप कर सकते हैं, ये बन जाएगा पी एन वी एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब मसला ये कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, आपको पता है बेटा कि किसी भी चीज की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि सिस्टम के ऊपर वर्क करो या सिस्टम वर्क करे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज। दूसरा तरीका होता है या सिस्टम को हीट दो या सिस्टम से हीट लो तो भी उसका टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो बेटा किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो ही तरीके हैं। अगर क्लोज सिस्टम है तो दो तरीके, एक हीट देने से, हीट लेने से, और दूसरा तरीका कौन सा है, वर्क सिस्टम के करने से या वर्क सिस्टम के ऊपर करने से। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का एक ही तरीका है और वो होता है वर्क का, क्योंकि आइसोलेटेड के अंदर हीट नहीं आ सकती है ना और जा सकती है। तो ये रखिएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने से देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में कहीं नहीं कहा गया कि उसके ऊपर आप वर्क नहीं कर सकते, आइसोलेटेड सिस्टम वर्क भी कर सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर वर्क भी किया जा सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो कौन सा तरीका है, या सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए या सिस्टम जो होता है वो वर्क करे। तो देखिए बेटा अगर आप इसको देखते हैं तो इसके ऊपर वर्क तो हो रहा है ना, अगर वर्क हो रहा है तो इसका टेम्परेचर अंदर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन लॉ के मुताबिक टेम्परेचर को आपने क्या करना है, कांस्टेंट। तो बेटा इसका यही तरीका है कि आप इस प्रोसेस को स्लो करें, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को स्लोली करोगे तो आपका जो वर्क होगा वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाएगा, इस सिस्टम का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना
तो वो टेम्परेचर जो होगा अंदर बढ़ेगा, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब आप इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ने से जब उसके ऊपर वर्क होगा तो इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और टेम्परेचर बाहर का अगर कम है और अंदर का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा और वो हीट फ्लो करवाएगा। और हीट फ्लो कहाँ से होगी, अंदर से बाहर की तरफ होगी। नतीजा ये निकलेगा कि आप जो वर्क कर रहे होंगे वो हीट की सूरत में सराउंडिंग में फ्लो कर जाएगा। और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उस सिस्टम का टेम्परेचर अंदर जो होगा वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप प्रेशर स्लोली बढ़ाओ, क्योंकि इस सिलेंडर से हीट ने जो बाहर जाना है वो थ्रू कंडक्शन जाना है। इस सिस्टम से हीट ने जो बाहर जाना है वो किस प्रोसेस से जाना है, थ्रू कंडक्शन जाना है। और जो कंडक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, स्लोएस्ट प्रोसेस होता है। इसलिए जरूरी है कि आप प्रेशर स्लोली बढ़ाओ ताकि अंदर टेम्परेचर न बढ़े, आपका वर्क हीट की सूरत में किस तरफ चला जाए, सराउंडिंग की सूरत में। और ये लाभ बहुत बड़ी बात बताता है कि इस तरह से आपका वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। यही हमारी इंटरेस्ट है फिजिक्स के अंदर, कि ये लॉ हमें बताता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आप जो वर्क करोगे वो हीट की सूरत में किस तरफ चला जाएगा, बाहर। मीन्स हमारा गिवन वर्क इस सिस्टम को इस्तेमाल करके 100% किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, हीट में। ये सिस्टम कहता है कि आप 100% हीट को किस वर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट में। लेकिन ये प्रोसेस आपको किस तरह से करना होगा, ये प्रोसेस बेटा स्लो प्रोसेस है। क्योंकि अगर स्लो प्रोसेस नहीं करोगे तो हीट क्विकली कंडक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हीट को यहां से कंडक्ट होके बाहर जाना पड़ता है। अगर आप क्विकली करोगे तो हीट इतनी तेजी से कंडक्ट नहीं कर पाएगी और अंदर सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अंदर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये लॉ कहता है, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो गैस अंदर से वर्क करेगी, और जब गैस अंदर से वर्क करेगी तो गैस का अंदर से टेम्परेचर क्या होगा, कम होने की कोशिश करेगा। तो सराउंडिंग से हीट क्या होगी, फ्लो होके अंदर आ जाएगी। और नतीजा ये निकलेगा कि ये गैस जो होगी वर्क तो कर लेगी, लेकिन इसका अंदर से टेम्परेचर जो होगा वो कम नहीं होगा, क्योंकि बाहर सराउंडिंग की हीट फ्लो करके आई। और नतीजा ये निकला इसका कि जो सराउंडिंग की हीट थी वो वर्क की सूरत में हमें क्या मिल गई, बाहर। तो ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं कहता वर्क करोगे तो वो वर्क हीट में जाएगा, ये सिस्टम कहता है जब आप एक्सपेंशन करोगे तो बाहर से आने वाली हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में। मीन्स आप एक्सपेंशन से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, और कंप्रेशन से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारी इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। हमारी फिजिक्स के अंदर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं। हमारी इंटरेस्ट ये है कि ये सिस्टम हमें बता रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो आप अपने वर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप अपनी हीट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क में। मीन्स आप इंजन बना सकते हैं, इंजन यही तो करता है। इंजन क्या करता है, इंजन हीट को किस में कन्वर्ट कर सकता है। पर ये थर्मोडायनेमिक्स की बुनियाद है, लाज। ये लाज इन्हीं लाज की बुनियाद पे तो थर्मोडायनेमिक्स बनी है, जिसमें इंजन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंटरेस्ट इसमें, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप बॉयल्स लॉ का प्रोसेस करोगे तो आप अपना कंप्लीट 100% वर्क इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, हीट में। और आप अपनी हीट किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क में कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है बेटा स्लो प्रोसेस होता है। और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे बेटा, तो आप इसका ग्राफ इस तरह से देख सकते हो।
देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बेटा कर्व होता है, और ये कर्व बताता है कि आप प्रेशर जो है ना, ये कर्व इस बात की निशानी है कि आप इनफिनाइट प्रेशर करोगे तो वॉल्यूम जीरो होगा, क्योंकि जो कर्व होता है वो इनफिनिटी के बाद जो होता है वो जाके लाइन को टच करता है। देखिए चार्ल्स लॉ के अंदर हमने देखा था ना, हमने जो केल्विन जो पढ़ा था, ये एब्सोल्यूट टेंपरेचर, उसके अंदर हम टच कर गई, वो लाइन एक्स एक्सिस को टच कर गई जिसको हमने जीरो केल्विन किया, इसलिए कि वो स्ट्रेट लाइन थी। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो फाइनाइट चीज के बाद जाके टच करती है एक्स एक्सिस को, लेकिन ये कौन सी लाइन है, ये कर्व्ड है, ये इतनी जल्दी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी तब जाके टच करेगी। तो ये आपको कर्व जो बॉयल्स लॉ का कर्व होता है ना, ये सिर्फ आप ये कहते हैं कि ये कर्व है इस तरह से, तो ये कर्व आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन उसका जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा होगा, हाइपरबोलिक या पैराबोलिक कर्व होगा। और हाइपरबोलिक या पैराबोलिक कर्व का मकसद है कि ये चीज जीरो होने में बहुत बड़ा टाइम लेगी, मीन्स आप इनफिनाइट प्रेशर करोगे तब जाके गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कर्व आपको बताता है कि गैस का वॉल्यूम जीरो तब होगा जब प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनफिनाइट हो जाएगा, और ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये कर्व आपको बताता है किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम जीरो करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, इसलिए कि उसके लिए प्रेशर क्या चाहिए, इनफिनाइट, और प्रेशर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इनफिनाइट प्रेशर के लिए इनफिनाइट फोर्सेस चाहिए, और यूनिवर्स के अंदर फाइनाइट फोर्सेस हैं, यूनिवर्स के अंदर इनफिनाइट फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए आप कहते हैं कि ये ग्राफ आपको बता रहा है कि प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम आप जीरो नहीं कर सकते किसी चीज का, ठीक है। और ये पैराबोलिक कर्व है, ये हाइपरबोलिक कर्व है, ये हाइपरबोलिक जो कर्व होता है ये आपको बताता है कि इस वॉल्यूम को जीरो होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, इनफिनाइट टाइम चाहिए होता है। एम वी वन भी लिख सकते हैं, पी टू एम अपॉन वी टू भी लिख सकते हैं, पी वन अपॉन डेंसिटी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी टू, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।